तो हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नया ब्लॉग लेके आया हूँ गाइस। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम लोग पिकअप में डीजे लोडिंग किस तरीके से करते हैं और क्या क्या लगाते हैं एक नॉर्मल पिकअप में। तो गाइस, आज की इस ब्लॉग में आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि डीजे से रिलेटेड गाइस वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए गाइस, आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कि इसमें किस किस कंपनी के हमने मॉसफेट लगाए हैं और किस कितने केवीए का गाइस इसमें हमने जनरेटर लगाया हुआ है और क्या क्या लगाया हुआ है इस सेटअप में। तो सारा इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगा गाइस, तो वीडियो के साथ बने रहें। और गाइस, इस वाले सेटअप में ना मैं आपको ओनली 10-15 सेकेंड तक की रियल साउंड टेस्टिंग कराने वाला हूँ, क्योंकि गाइस कॉपीराइट का बहुत ज़्यादा इश्यू रहता है गाइस। तो इसलिए मैं आपको ओनली 10-15 सेकेंड तक की इसमें रियल साउंड टेस्टिंग कराऊँगा और बाकी का इसमें गाइस मैं एडिट म्यूजिक करके डालने वाला हूं। तो आप कमेंट मत करना कि भैया आपने रियल साउंड टेस्टिंग नहीं दिखाई, तो इसलिए मैं आपको ये वाली बात पहले बोलने वाला हूं, तो फिर बाद में आप कमेंट मत करना। तो चलिए गाइस, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि सेटअप में क्या लगाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं गाइस। देख सकते हो कि अपना पिकअप डीजे लोडिंग सेटअप हो गया एकदम से रेडी। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि इस वाले पिकअप लोडिंग में गाइस हमने एक बेस 3 टॉप लगा रखे हैं और 12 एलईडी लगा रखी है गाइस हमने इसमें और 4 सारपी लाइट लगा रखी है गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और गाइस, ये सेटअप हमने लगा रखा है छोटे हाथी में गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और गाइस, इस तरफ आप देख सकते हो ये हमने इसमें बेल्ट डाल रखी है गाइस, जो कि इससे ये टाइट हो जाएगा बिल्कुल एक तरीके से, हमारी सारपी और बॉक्स सारे टाइट हो जाएंगे इस वाली बेल्ट से। और गाइस, हाँ, आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ गाइस, मैं आपको अभी इस साउंड सेटअप को जब टेस्टिंग कराऊंगा तो गाइस
मैं आपको 10-15 सेकंड तक की रियल साउंड टेस्टिंग कराने वाला हूँ गाइस, क्योंकि कॉपीराइट इश्यू रहता है गाइस, तो इसीलिए मैं आपको ओनली 10-15 सेकंड तक की ही ओनली साउंड टेस्टिंग कराने वाला हूँ, रियल जिसे बोलते हैं, और बाकी का मैं इसमें एडिट म्यूजिक करने वाला हूँ। तो और मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि और इसमें हमने क्या क्या लगाया हुआ है, कितने केवीए का जनरेटर लगाया हुआ है और किस कंपनी के मॉसफेट लगाया है और मिक्सर, सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ गाइस, तो वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि इस तरफ से हम अपनी बेल्ट लगाने वाले हैं, चलिए मैं इधर जाके आपको दिखाता हूँ थोड़ा। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि इस तरफ से हम अपनी बेल्ट को लगाते हैं इस कुंदे में फंसा के, और इस तरफ हम इसे टाइट करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमने इसमें क्या क्या लगाया हुआ है, तो वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें एक 7.5 किलो वाट का हमने स्टेबलाइजर लगा रखा है और एक 7.5 किलो वाट का ही इसमें हमने जनरेटर लगाया है, जो कि प्रकाश का है गाइस, प्रकाश कंपनी का बहुत अच्छा जनरेटर है गाइस। और ऊपर हमने गाइस इसमें एक बोर्ड लगाया है, और इसमें हमने 2 3500 वाट लगाए हैं गाइस, अभी हमारा एक 3500 वाट आने वाला है और एक 500 वाट लगाई है, और अभी आपको इसमें एक 3500 वाट दिख रहा होगा, तो अभी एक और आएगा जब हम इसमें 2 लगाने वाले हैं। तो चलिए गाइस, मैं आपको अब इस सेटअप को थोड़ा चेक करके दिखाता हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहें और चलिए कंटिन्यू करते हैं इस सेटअप को, जुड़े रहिए गाइस।